Yes, once again we are live, and she was Anab from Mumbai. I seriously मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अपने फैंस देखता हूँ बॉर्डर के उस पार भी, जो कि पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे होते हैं और जिनको हमारे ड्रामास पसंद आते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे कि फिर से हमारी हमारे रिश्ते और हमारी मोहब्बतें दोबारा से कायम हो। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमने देख ही लिया इस कोरोना के बाद कि हम हर वक्त अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, मोहब्बतों को, लोगों को, रिश्तों को, और जब ऊपर वाले को गुस्सा आता है तो फिर ऐसे डिवाइड हो जाते हैं कि फिर हम कहीं निकल ही नहीं पाते। तो इसलिए अभी भी वक्त है, हमको एक रियलिटी चेक मिला है, उससे सीखें। ओके जी, लेट्स स्पीक टू हु। चलिए देख, अनाबिया 305। अच्छा, आई विल स्पीक लाइक शॉर्ट, राइट? बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। स्पीक टू मी सर, किसने कहा? इमरान अब्बास, माई लव फैन पेज, प्लीज़ प्लीज़। मुनीर, मैंने कहा कॉल मी, आपका कोई इंडियन फिल्म आ रहा है? आयशा स्वीट गर्ल ने कहा आई एम योर बिग फैन। जावे, इमरान अब्बास फैंटास्टिक, प्लीज़ ट्राई प्ले मी सर, ट्राई प्ले। अच्छा, इमरान अब्बास एक ख्वाब। अच्छा, ये भी एक फैन पेज है जी, इमरान। सारे फैन पेज में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ये फैन पेज रन कर रहे हैं, बहुत ही आपके प्यार का शुक्रिया। प्लीज मुझे लें लाइव में, मरियम जैदी ने कहा। अच्छा जी, देखते हैं। मिर्ज वेट, परवीन खेरानी, आप तो आई थी शायद कल परसों, पर कल भी लाइव आई थी। अब्दुल समद फोटोग्राफी, अच्छा जी चले, अब्दुल समद फोटोग्राफी कौन है उनको लेते हैं। इमरान अब्बास की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अस्सलाम वालेकुम, इमरान हैं? बॉस की कॉल है। ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान भाई। मैं फैन अच्छा, हूँ फोटोग्राफर हैं आप? वालेकुम जी, अस्सलाम मैं जी, आपके साथ, फोटोग्राफर हूँ। ये आपके मेरी साथ मदर कौन है? है सर, आपकी मेरी अस्सलाम मदर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम, बस ठीक ठाक। एक मिनट, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान भाई, और मेरी मदर जो है वो बहुत शौक से ड्रामा देखती हैं आपका। पहले मैं मदर से बात मुतासर कर रहे हैं हूँ। ना, मदर से बात कर रहे हैं अस्सलामुअलैकुम पहले। सलाम बेटा, वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप आंटी, ठीक है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बस बिल्कुल मैं ठीक ठीक ठाक। हूँ, कहाँ से जबरदस्त। बात ये कर तो रही मैं हैं हैरान हो रही हूँ आपको देखकर कि ये कहाँ से क्यों? बीच में ले आए आपको। देखें, कहाँ मेरा कहाँ से शहर से बेटा, हैं? आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह आप। बहुत शुक्रिया आंटी, आप भी बहुत प्यारी हैं वैसे तो। बस मैं तो ऐसे ही अभी बैठी हुई थी, अचानक ये एकदम कमरे में आए। मम्मा, ये इमरान अब्बासी से बात कर, इमरान जी अब्बासी, जी इमरान अब्बास ही हाँ, हैं, आपका अब्बासी ड्रामा हैं, देख जिसे रही आई हूँ। आई निकाल दें बीच में आखिर से, इमरान अब्बास। अब्बास, हाँ इमरान अब्बास, सॉरी। जी, वो हमजा अच्छा, अब्बासी मेरे मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ, डर खुदा से। हैं। अच्छा वो खत्म हो गया, आप क्या देख रही हैं? आप तो आखिरी किस्त आ गई हाँ, उसकी, मर गया एंड वो? ही था, आखिरी किस्त, हाँ लास्ट भाई, एपिसोड था आपका ना हाँ कर लिया उसने। हाँ जी, हाँ जी, बेटा। आप थोड़ा सा नहीं कहाँ देख रही होती हैं? हैं आप? कराची होते हैं? नहीं जी, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, ये इस्लामाबाद में हूँ मैं। अच्छा, इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, आप कौन से बहुत शहर अच्छा में लगा होती हैं? आपको जी। आप कौन से शहर में होती हैं जी? हम लाहौर में होते हैं अच्छा, लाहौर में। और समझ साहब लाहौर में जी फोटोग्राफी करते हैं? जी इमरान भाई, मैं लाहौर में फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा स्टूडियो है गुलबर्ग में। अच्छा तो अभी अच्छा अच्छा लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से ना, अभी हम घर में बैठे हुए हैं ना, तो एडिटिंग वगैरह का काम चल रहा है बस। अब वेडिंग के इवेंट्स भी कैंसिल हो गए सारे मेरे, तो क्लाइंट्स के फोन आ गए कि अब अप्रैल, अब तो रमजानों का रमजान आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। चल अभी उनसे तो सब पूछना, जिनकी कुछ शादियां ही कैंसिल हुई हैं वो कितने उदास होंगे, जरा सोचें। बिल्कुल, वो उनके तो पेमेंट्स भी नहीं मिली उनको, जिन्होंने हॉल बुक्स करवाए हुए थे वहां से पेमेंट्स भी नहीं दे रहे, हाँ कोई कोई नहीं दे रहा, इतना नुकसान हुआ था उनका बेचारों का। अब तो घरों में भी इवेंट्स करने से पाबंदी लगा दी, अभी रिसेंटली घर में इवेंट किए हैं तो वो हाँ पीछे से उनको पता चल गया, उन्होंने बंद करवा दिया सब कुछ। चलें जी, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे, और ये
सारे के सारे क्राइसिस हैं जितना दुआ अभी करें आप जितना। अभी ये रिसेंटली पीएफडीसी का शो हुआ था ना इधर लाहौर निशात में, आप भी आए हुए थे, तो मेरी उधर भी आपसे मुलाकात हुई थी, मैं एज अ फोटोग्राफर आया हुआ था वहां पे। अच्छा, जी जी शायद आई थिंक आपको अच्छा याद नहीं होगा, हम तो एज अ फोटोग्राफी अच्छा वगैरह कर रहे थे ना वहां पे पीएफडीसी में। अच्छा 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 जरूर जी जरूर। जी जी चलिए, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बहुत अम्मी शुक्रिया को खुदा मिलान हाफिज। आपसे, आपको आपको भी। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा चल, अब तो आपको पता आप है मेरा बेटे को भी ना ड्रामों में काम करने का बहुत शौक है, मैं कहती हूँ चलो फिर कराची शिफ्ट होना पड़ेगा हमें, लेकिन हमारी दिखाएं कराची में जरा बेटे फैमिली को, जरा काफी है। बेटे जरा आना कैमरे के जी सामने जी जरा। देखूंगी, जी जी हाँ जी, जरा इसका कोई लाइन तो सुनाए मैं ना कहती हूँ, जरा, कोई लाइन तो सुनाए ना जी जरा, जी कोई डायलॉग अच्छा सा बोल के सुनाए ना, आपकी किसी आवाज कट ड्रामे रही का। है, कह कट रहा हूँ किसी ड्रामे की कोई अच्छी सी लाइन, किसी फिल्म की कोई लाइन तो जरा बताए रही ना। है। ड्रामे की लाइन, मम्मा को तो ड्रामे देखने का बहुत शौक है, मगर मैं एक्टिंग टिकटॉक में बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं, तो जरा करें ना कुछ अभी सामने जरा। टिकटॉक आप मुझे कोई बोल के दिखाए मैं करता हूँ। कुछ मैं क्या बोल, मेरे तो यूट्यूब पे भरे पड़े ड्रामे, नहीं आपको मेरी मतलब कोई लाइन चाहिए। कोई ये माशाल्लाह, वैसे तो ये मॉडल शूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, ये खुद भी टिकटॉक बड़े अच्छे बना लेते हैं। और वैसे मैं ना इसको मीडिया में, मेरे कजन्स फैमिली सारी कराची में ना ये हैं, ये जो क्या कहते हैं कमर्शियल बनाते हैं माशाल्लाह, मेरे हाँ, मामूजात भाई वगैरह सब कमर्शियल ARY में है, कोई किसी में है, कोई किसी में, कजन्स सारे मेरे कराची में अच्छा होते हैं। चलो, अच्छा समझ, चलो वो एक लाइन है मेरे ड्रामे की, आपको जी हाँ चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर याद है, ये खुदा वैसे ना वैसे कुछ लंबा हो गया मुझे, आई थिंक मोहब्बत वो भी ना कुछ छोटा मुझे से। दे हाँ दें, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बता देता हूँ कुछ चलो छोटा यही करके बोल के ना। सुना दो, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता हाँ है तेरी जुल्फ के सर होने तक, यही सुना दो। चलो आपको आपको चाहिए मैं एक, बताएंगे, आह आपको को चाहिए स्टाइल में यार, स्टाइल क्या में थोड़ा। स्टाइल में, वो दोबारा बोलेगा जरा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अच्छा आपको चाहिए एक हुनर होने नहीं, तक, नहीं एक मतलब उम्र एक असर उम्र होने, आपको आपको चाहिए देखे ना एक इसलिए उम्र असर शायद होने तक, आप। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। आंटी आप आ जाएं, आप आ जाएं मीडिया में, शर्मा आपकी शक्ल लगी बॉम्बे रहा शहर से मैं। मिलती है थोड़ी सी। जी, चले जाने करें, चले चले ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, इमरान अपना मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगा, हमसे बात करते रहा करें आप कभी जी कभी, जी जरूर जरूर। ओके जी, अगर ओके, थैंक यू। अगर आप हम गरीबों को कुछ समझते हो तो। नहीं जी, गरीब अमीर क्या होता है, मैं खुद भी गरीब ही हूँ, तो बस बहुत शुक्रिया आपने आपकी इतनी हमने मोहब्बत देखा है से। ना ये जो मीडिया में आ जाते हैं ना लोग, फिर इतने लिफ्ट नहीं कराते किसी नहीं नहीं को। जी, मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ, मुझे तो कुछ मीडिया शीडिया का ज्यादा पता ही नहीं। आपकी फिल्म देखी थी इंडिया की, अच्छा लेकिन अच्छा मुझे देखी एक थी चीज, आपने। मुझे ना एक बात कहूँ हाँ, एज ए आपको बिल्कुल हम यानी कि आपस में बैठ के बात करते हैं, बड़ी जरूरी भाई कि आप लोग ना इंडिया में क्यों फिल्में करते हैं, हमें बड़ा ही अब कौन गुस्सा कर आता है इस रहा है, बात पर। नहीं अब अब तो नहीं कौन कर रहा करते, है, देखिए पहले पहले करते थे, क्यों करते थे, उनकी इंडिया हीरोइनें के भी, आती है हमारे बीच में। इंडिया के भी एक्टर्स यहाँ आते थे, वो भी काम करते थे, उस पर बड़े अच्छे हालात थे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई हमें इज्जत से बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, तो आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और उनके भी इस ड्रामा एक्टर्स हमारे यहाँ आते थे, फिल्म एक्टर्स आते थे, अमरीश कौन से थे अपने, ओम पुरी साहब आए थे, नसीरुद्दीन शाह, बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया, तो कोई बुरी लेकिन बात नहीं है सलमान अगर खान तो बुला नहीं रहा है। आया, शाहरुख तो नहीं आया ना हाँ, अगर उस वक्त अच्छी ये भी फिल्में तो ऐसी आए ना। बनती तो जरूर आ जाते, वो भी अगर कोई अच्छी है मुस्काबिल, तो हमारी फिल्में उस वक्त ऐसी कहाँ बन रही थी, अब थोड़ी बेहतर बननी शुरू हुई है ना वो। अब आप गंडासे वाली फिल्मों में तो उन एक्टर्स को एक्सपेक्ट ना करते ना कि वो आके काम करते, उनका भी तो कोई स्टैंडर्ड है जी ना। वैसे इमरान एक बात कहूँ, आप अच्छे किरदार क्या करें, कोई नेगेटिव किरदार ना क्या करें, आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो तो खत्म हो गया जी, बस इट्स ओवर। हाँ आप एक अच्छे एक प्यारी पर्सनालिटी के मालिक है ना, तो आप पे प्यारे हाँ प्यारे रोल अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब बस आपका हुक्म सर आंखों पे जी, अब आइंदा अच्छे से थैंक ड्रामे यू, के लिए। बहुत अच्छा लग ओके, रहा है इमरान, आपने थैंक हमें इतना यू टाइम आंटी, खुदा दिया, हाफिज, अल्लाह बहुत हाफिज। थैंक्स, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, हाँ जी, हाँ। ओ सबा कमर जमान इज ऑनलाइन वेटिंग फॉर सबा कमर टू कम ऑनलाइन। ओ माय गॉड, लुक हूज हियर, सबा कमर, हाय। भाई, तेरा मेरे बहुत
सुबह वैसे तो मिलना नहीं है मेरे ख्याल, मिलना नहीं मिलेगा। गाय क्या हाल है, क्यों नहीं, क्यों करते हैं आप, क्यों करते हैं आप क्या? बॉलीवुड में जाके काम, क्यों करते हैं हाँ आप ये बात बॉलीवुड है। तो भाई मैंने उसे कहा था, कहते थे हमारे उनके एक्टर्स भी हमारे यहाँ के काम करते थे, ओम पुरी आए, नसीरुद्दीन शाह आए, किरण खेर आई, नंदिता ना? उनके दास आई। आर्ट की कोई बाउंड्रीज थोड़ी होती है मतलब। बाउंड्रीज नहीं है। उन्होंने कहा सलमान खान नहीं आए थे, तो मैंने कहा सलमान, उस वक्त हमारे यहाँ फिल्म अगर अच्छी बनती तो सलमान खान भी आ जाते, और शायद बड़े एक्टर्स भी। दूसरी बात इमरान, हम अगर इस तरह से देखें कि हम में कुछ ऐसा है तो उन लोगों ने, बिल्कुल देखो। वी आर टैलेंटेड पीपल, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट यू नो। बिल्कुल। और मैं जिस तरह आपकी फिल्म ने, भाई मैं आप क्यों कर रहा हूँ सब बात, तुम्हारी फिल्म ने हाँ माशाल्लाह तुम क्यों नहीं कह रहे हो 200 करोड़ का बिजनेस किया, तो ये कोई इरफान मजाक नहीं था। एंड यू वर्क ऑपोजिट इरफान खान, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट खान, एक्टर्स, तो हाँ और इज अ 200 करोड़ बिग की बिजनेस करना कोई मजाक बात नहीं थी। तो ये सब लोगों का एहसास होना चाहिए कि हमारे अच्छे एक्टर्स ही वहां बुलाए गए। और देखो हिट और फ्लॉप का जो एक वो होता है, वो किसी किसी को नहीं पता होता कि क्या फिल्म हिट हो जाए। वहां की बड़े बड़े एक्टर। एक्टर सुपर स्टार्स की फिल्म बाद नहीं चल पाती। अगर मुझे मुझे पता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी उसके बाद फिल्म ऑफर्स थी, अगर वो चलती रहता है सारा के साथ तो तुम सब और बड़े काम कर रही हो। बट इट्स ओके, हाउ आर यू, कैसे वंडरफुल। घर पे आइसोलेट होके बैठी हुई हो, तो अपनी तुम्हारी बिल्ली कैसी है, तो ये बताओ वो कहाँ चली गई। बिल्ली यार। हाँ सो बेसिकली मैं पिछले दिनों बहुत काम कर रही थी, गमली की शूट पे थी, सो आई वाज आउट फॉर अ मंथ। तो उस एक महीने में माय फैमिली वाज लाइक कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं हूँ तो कोई तो संभाले करो उनको। तो यू नो माय मदर, नमाज और ये सब, तो उनको होता है कि अच्छा है, एक तो कुत्ते बिल्लियां रखे हुए जायज नहीं होते, ये मेरे घर वालों को भी था, जब जैसे ही मैं कहीं बाहर जाता था तो मेरी बिल्ली पता नहीं कहाँ वो भेज देते थे, क्योंकि उनसे नहीं संभाली जाती थी। और उनका कहना था कि बिल्ली जो है वो तुम ही संभाल सकते हो। तो हाँ फाइनली फिर हमारी बट बिल्लियां हमारे पीछे, आई नो दैट कि कितना हमारा डीप कनेक्शन हो जाता है उनके साथ, मतलब हमारी तो लिटरली अलग अलग ही तरह में प्यार हो जाता है ना। मैं तो हम तो आई बिल्कुल, स्टिल मैं मिस तुम्हें याद है, दैट। मैं एक एक फिल्म कर रहा था जिसकी रिहर्सल्स थी अक्षय अक्षय कुमार के साथ, तो मेरी बिल्ली यहाँ मर गई। और आप यकीन करें कि मैं वो बिल्ली, उस बिल्ली की खातिर मैं अपनी रिहर्सल्स अपना सब कुछ छोड़ के मैं फ्लाइट पकड़ के रोता हुआ आ गया था। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ ज्यादा ही मैंने शायद ड्रामा किया था, लेकिन उस वक्त वाकई मैं कंट्रोल, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल होता था। मुझे पता है पेट्स के साथ आपका कनेक्शन ऐसा होता है जैसे बच्चों, जैसे आपके माँ बच्चे होते हैं, जैसे बाप आपके बच्चे होते बेटे, हैं, दे लाइक किड्स या मेरे मेरे लिए तो मुझे था कि जैसे ये मेरे बच्चे हैं। शायद लोगों हाँ को ये अजीब बात लगेगी बट आई नो बड़ा डीप कनेक्शन हो जाता है आपका, आप नहीं रह सकते। तो और अम्मी जैसे अभी सबा कमर की अम्मी जो है ना, वो सबा से ज्यादा मेरी अच्छी दोस्त है, उनसे बहुत प्यार करती हैं। और हमारी मुलाकात कम होती है, लेकिन मैं उनको दुआओं में बहुत याद रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो भी अपनी दुआओं में याद रखती हैं वो मुझे। बहुत प्यार करती हैं, वो कहती है इंडस्ट्री का एक ही लड़का बड़ा खूबसूरत है वेंकट जी, बाकी आपको नजर नहीं आते। नहीं जो इमरान प्यारा है ना, जो इमरान है ना, एक पंजाबी माए जैसी होती है। नहीं नहीं सोना मुंडा है, मैं कहा जी बस तो यार शी लाइक्स यू, शी इज अब फाइन इस्लामा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें जरूर घर आना है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर जा चुका हूँ, बट यू हैवंट बीन टू माय प्लेस एज ऑफ येट, तो मुझे यू इंतजार है कि हैव अ तुम आओ। ब्यूटिफुल हाउस, मैं देख रही हूँ आपकी स्टोरीज में और चीजों में, जब आप हैंड वॉश की बता रहे थे प्रैक्टिस, मैंने आई सीन योर वीडियोस, यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, एक आई लव आर्किटेक्ट मच। हूँ ना, जैसे यार लोग भूल जाते हैं कि मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, तो बस वो आर्किटेक्चर का मुझे कुछ रहता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड करते रहना छोटी छोटी चीजों के अंदर। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, छोटा सा ही घर है, लेकिन ये जो टेस्ट होता है ना, ये आपका पैसे से उससे नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप। इट्स इन यू एक्चुअली, दिस इज यू, सो आपको दिखाता है आपका घर और आपका लाइफ स्टाइल के इंसान कैसा है उसका, तो या रिफ्लेक्शन है इसकी। सब अबाउट कीपिंग यू बिजी नाउडेज, क्या कर रही हो आजकल? आजकल व्हाट आई एम डूइंग, उसकी रीडिंग, फिल्म चल रही है, मुझे स्लीपिंग, पता है, वॉकिंग, लेकिन नेटफ्लिक्स, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल द सीजन ऑन नेटफ्लिक्स, यू उसकी कैन आस्क एनीथिंग, सारी मूवीज, सारे ड्रामे, सारे सीजन देख लिए हैं। प्लस मैं आजकल क्या कर रही हूँ, आई हायर्ड अ टीचर फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, वन ओह टीचर, तो कौन सी फ्रेंच या स्पैनिश या सो इटालियन? बेसिकली अमेरिकन एक्सेंट,
Wait, what? So yeah, this is what I'm learning nowadays. So yeah, time tha, maine kaha to why not यार टाइम है सुबह ये मुझे लगता है कि ये वक्त इतनी मुश्किल से हम लोगों को मिला है जब सब चीजें स्लो डाउन हुई हैं जब हमने अपने पीपल लाइक अस कितना हम काम करते हैं एक्चुअली वर्कहोलिक तो वो हम हमारे लिए तो बड़ा वो एक कोरोना वेकेशन में कह रहे हो तो कोरोना वेकेशन जब मिली गई है तो जस्ट हैव फन मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आसमान का मैंने कलर इतना साफ देखा हो इतने परिंदों की चहचहाहट My sister was telling me कि सबा आज मैं बाहर निकली हूँ, the sky was clean. कर जीती कहती है क्यों नहीं यार देखो साफ है क्योंकि pollution नहीं है लोग बाहर नहीं जा रहे गाड़ियाँ नहीं है तो सुकून आया हर चीज को एक एक you know like everything is very calm. अच्छा हमारी हम लोगों को अजीब सा मसला है कि जब हमारी छुट्टियां नहीं होती जब हम मंडे को जा रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं कि यार फिर मंडे आ गया अब जब आपको फॉर्चुनेटली छुट्टियां मिली हैं आपके पास इतना अच्छा टाइम है अपने मेंबर के साथ बात करने अपने अंदर झांके अपने आप से बात करें रुक के जरा सोचें कि आप कहां से चले थे कहां कहां आ गए क्या क्या अल्लाह ने दिया इंसान इंसान एक ऐसी चीज है कि किसी हाल में खुश नहीं है इंसान किसी हाल में अगर आपको बहुत मिल गया है तो भी आपको अजीब सी एक डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन कुछ रहती है कि अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट इफ यू हैव दिस यहाँ भी आप खुश नहीं हो आपको कुछ और चाहिए बस इसको चाहिए इंसान को हमेशा चाहिए बताना मतीरा याद आ गया मुझे हाँ जी और हाँ तो ये जो इंसान की तबीयत में चीजें ना जब मिल गया है तो बस वो नहीं चाहिए इसको वो चीज अच्छी लगती है जो इसको नहीं मिल रही होती वो एक कंस्ट्रक्शन रह जाती है ना जहाँ इनकम्प्लीट चीजों की अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें वो भी आखिर मिल गया अब क्या करें ओह माय गॉड एग्जैक्टली मिल जाता है हमेशा मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी खलिश ख्वाहिश रहनी चाहिए वरना फिर आपको जब चीज मिल जाती है ना तो इसीलिए किसी के हाथ नहीं आना चाहिए सबा मैं कहता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए सो बेसिकली तो मेरी कब शादी हुई है आई एम सिंगल 100% एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड ये हाई फाइव तो बात ये है कि 100% जब भी आपको मिलता है ना तो वो चार्म खत्म हो जाता है चीजों का रिश्तों का अधूरापन लाइफ में इट्स ब्यूटी इट इज अ ब्यूटी कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई है ना तो अब मेरा दिल चाहता है कि वो रह जाए क्योंकि कुछ ख्वाहिशें जो पूरी हुई उनके पूरे होने के बाद हुआ कि अच्छा ये था ये तो कुछ कुछ एक्साइटिंग नहीं था दैट वाज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स और मैं सोच रही थी यार मैं ये करूंगी तो यूं मजा आएगा गाइस नहीं होता मैंने तुमने एक हमने जूस का एक स्टिल साथ किए थे बहुत All pure. Shoot or you know commercial shoot. Yeah. पानी बात है जब हम बिल्कुल छोटे-छोटे से teenagers थे पहले. 2004 yeah. और हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम बॉलीवुड कर रहे होंगे और टीवी और फिर उसके बाद टीवी के बाद बॉलीवुड और फिर तुम तब यू वेंट प्लेसेस माशाल्लाह तुमने इतना अचीव किया मैं कहां से कहां तो उस वक्त थैंक यू थैंक यू सबा लेकिन कभी हमने कभी मेरा नहीं ख्याल हमने इतना कभी इतना सोचा भी था जितना हमें अल्लाह ने दिया नहीं ऑब्वियसली कभी नहीं सोचा इवन आज भी मैं जब भी सुबह उठती हूँ इमरान में अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ जब अपने घर को अपने आप को अपनी चीजों को उसकी ब्लेसिंग को देखती हूँ और मेरी एक एक सांस के साथ शुक्र उसके लिए निकलता है कि अल्लाह मेरे से कितने बेहतर लोग हैं जो ये चीजें डिजर्व करते हैं बट तूने मुझे इसके लिए चुना तो वी शुड बी थैंकफुल यार एंड आई एम ग्रेटफुल व्हाटएवर आई I have today, alhamdulillah. I think मुझे तुमसे मिलता हूँ कि हम एक ही अक्सर होटल में ठहर रहे होते हैं अक्सर कभी मुलाकात जब भी सबा को देखा है सबा हमेशा सबा को मस्त देखा है सबा कभी भी किसी भी उसमें सबा खुश रहती है और कहती है अल्लाह और देगा अल्लाह और देगा ये मेरी लाइन और शायद यही वजह है तुम कभी चीजों के पीछे भागी नहीं तो अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा मुझे याद है हमने एक साथ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एवरीथिंग आई हैव एवरीथिंग
कितना आपको चाहिए होता है? अगर हमारे पास पीछे चार गाड़ियां खड़ी है, बैठना तो आपने एक में ही है ना, एक गाड़ी चलाने का भी वक्त नहीं मिलता, True. तो फिर क्या फायदा इतने पैसे, इतनी लग्जरी लाइफ और इतनी चीजों का जब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे? तो जितना आपको चाहिए होता है ना उससे इतना ही, इतने में तो उसे खुश रहना चाहिए। मैंने जो अब अपनी इस उम्र में आके जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये है कि वो लोग कामयाबी स्टेट ऑफ माइंड है, और ये सिर्फ आपको जो आपके पास है अगर आपको उस पर कनात और शुक्र करने को और आपको कहें कि यार ये सब कुछ है तो आई थिंक दिस इज योर सक्सेस। और जरूरी नहीं है कि सक्सेस वही हो जिसके पास फरारीज और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज हो। आई थिंक अगर एक्साइटेड है और अगर वो और आप इमरान दूर नहीं, अब इतनी सी मिसाल है कि इंसान की क्या औकात है। आज हमारे पास सब कुछ है बट मजाल है कि हम डर के हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उससे जब पकड़ आती है तो उससे बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए यार। तो अब पूरी दुनिया मतलब गुरों के पास, आप अगर चलो पाकिस्तान में तो हम चलो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी यू नो फैसिलिटीज नहीं है। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स को हो गया कोरोना, मतलब उनसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ और किसकी हो? कभी सोचा था? हाँ, उसकी पावर के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि यार ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात, और कि इंडिया में क्यों, पाकिस्तान में क्यों ये डिविजन्स, ये बाउंड्रीज। अब आप सोचते आप कितना अलग हो गए, आइसोलेटेड घर में बंद हो गए ना आखिर सारा, वो आप कब तक अपने आप ये अलग वो अलग ये अलग वो अलग, इससे नफरत उससे नफरत, कम ऑन यार। आपके भी कितने जो इंडिया से होंगे, इतना हमारे पास क्यों है भरा हुआ? हम इतनी नफरत करते हैं, हम इतना जज करते हैं दूसरों को, क्यों? क्या दुनिया में और कोई काम करने के लिए नहीं है? सब एक और माय फादर पास्ड अवे 3 months बैक, एंड उस दिन से आज तक मैं डेली कब्रिस्तान जाता हूँ, कोई दिन नहीं है जो मैं नहीं गया हूँ। मुझे वहां जाके जब भी मैं वहां से वापस आता हूँ या मैं वहां पे होता हूँ तो मुझे इतना एक रियलिटी चेक मिलता है कि ये है दुनिया, बस इतनी सी देर के बाद इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, सिर्फ 6 फुट की कब्र पे आप आके जवान, कोई एज मतलब आपको एज की भी बाउंड्री नहीं, 24 साल की, 30 साल, कोई 21 साल का, कोई 18 साल का, कोई बुजुर्ग, पता नहीं किस चक्कर में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और हम किए चले जा रहे हैं। और ये वाला जो कोरोना का वक्त आया ना, इसने हमें झंझोड़ दिया कि आप प्लीज रियलाइज करें कि जिंदगी बहुत हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है इमरान। हमें बचपन से चीजें बताई गई हैं, जैसे लड़कियों को बताया गया अच्छा एक्स वाई जी जो लड़की है, लड़की दोस्तें नहीं बनाती, ये आपके खिलाफ है, इनसे बात नहीं करें। तो ये जो माइंड मेकअप है ये बचपन से हुआ हुआ है, एंगर एग्रेशन, दूसरों के खिलाफ बात करना, झूठ बोलना, ये हमारे अंदर इतना बैठ चुका है कि हम उससे बाहर, उस बबल से बाहर नहीं आ रहे। मुझे नेगेटिविटी का बबल बना हुआ ना, और हमारे इन बिल्ट है वो, दिस इज यू नो लाइक वी नीड टू वर्क ऑन इट। अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करें, हम देखें कि हम क्या गलत है, कहाँ गलत है, उसको रोज 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 ठीक करेंगे तो इवॉल्व होंगे, वरना तो हम बहुत पीछे हैं। और यही वजह है कि हमारा हमारा कंट्री सबसे ज्यादा पीछे है, क्योंकि ये नहीं खुल रहा ना, दिमाग नहीं खुल रहा। हम यहाँ अप्रिशिएट नहीं करते कोई एक अच्छा काम करते है, छोटी सी इंडस्ट्री है, उसने भी इतनी जेलसी, इतने मसले मसाइल है, सब एक दूसरे के काम खींच रहे हैं, सब गलत सोच रहे हैं। कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसपे तो ये नहीं करता कि अच्छा यार उसको एक अच्छा मैसेज ड्रॉप करे, उसको एनर्जी दे, उसको पावर दे, उल्टा उसके अंदर से कीड़े निकाले जाते हैं। अच्छा उसे क्या कभी भी कोई भी अच्छी बात करेंगे ना, या कोई अल्लाह की बात करेंगे, रसूल की बात करेंगे, सबसे पहले हाँ वो तो हमसे, हम तो काबिल ही नहीं है ना कि हम ऐसी बात कर सके, हम पे तो पहले ही वो लग जाएगा कि अरे तुम बात कर रहे हो, मतलब तुम तो टीवी पे आते हो ना, कि हम तो भाई कंजर है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ कंजर, कंजर मेक, कंजर इज मेकिंग यू हैप्पी, दैट्स अ जॉब, लाइक सीरियसली यू शुड बी थैंकफुल। लेती नहीं हूँ,
कि अगर एक इंसान जाहिल है, पागल है, उसके साथ में अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रही हूँ? मुझे वो चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. मेरी पॉजिटिविटी क्यों वो ऐसे सक कर ले, वो ले जाए कि मैं कुछ और करने के काबिल ना रहूं, मैं जिंदगी में अपनी दुनिया में कुछ और भी अच्छा कर सकती हूँ. So just stay positive, man. Have fun. यही राज है तुम्हारी खूबसूरती का सबा, यही राज. I use Lux. क्या आप भी Lux इस्तेमाल करते हैं? Yes. Okay. किसी मेल ने लक्स टीवीसी नहीं किया, बट आई थिंक आपको करना चाहिए. शाहरुख खान ने किया इंडिया में, नहीं नहीं फवाद ने भी यहाँ किया था. फवाद ने भी किया था शायद. फवाद ने किया था. हाँ क्या उनको बाटे पे नहाते हुए दिखाया? नहीं वो इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया था उनको, इस्तेमाल याद कर रहा था. लेकिन ये बताए कि ये बताओ कि लक्स गर्ल बनना सीरियसली पाकिस्तान में तो अचीवमेंट, यू नो, बाबरा शरीफ, रानी, ऑल द बिग एक्टर्स, मतलब एक्ट्रेसेस जिन्होंने सबका एक हाईएस्ट वो होता है कि हाँ जी लक्स करेगी लड़की, मतलब हमेशा से हम बचपन से देखते हैं किस किस को लक्स करेगा. वो मोमेंट जब तुम्हें ये कैंपेन ऑफर हुई तो क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मैं बहुत खुश हूँ. तो थोड़े से पंगे भी लिए थे मुझे याद है. बहुत से लोगों से वो छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं यार, मैं इतना दिल पे नहीं लेती. लेकिन आई एम ग्लैड यार, आई एम थैंकफुल इंडस्ट्री से, मेरे फैंस से, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर यू नो लविंग मी एंड गिविंग सो मच लव. सो दैट्स द बेस्ट फीलिंग, जब आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन और सब कुछ, तो दैट मेक्स यू हैप्पी. एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस आता. मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा था तो मैं अक्सर तुम्हें कॉल करता था. मैं कहता था फ्लाइंग डायरेक्टर ने तुम्हें ऑफर किया है, गाने ने ऑफर किया है, ये किया है. उस वक्त भी तुम्हें इतने सारे लोग अप्रोच कर रहे थे, बट यू वेरी पिकी एंड चूजी. मैं कहता था यार, और मैं तुम्हें मशवरा भी देता था, ये मत करना सब, ये डायरेक्टर इतना अच्छा नहीं है. मैं दूसरों को मशवरे बड़े अच्छे देता हूँ. वो लोग हैं जिन्होंने कॉकटेल लव आजकल ऐसी अच्छी फिल्में बनाई है, और अब तो खैर उनकी एक लिस्ट अच्छी फिल्मों की. तो मैं कोई ऐसे भी ऐसा था मजाक कर रहा है. तो वन डे आई सेड दैट गाय के जिन्होंने कहा कि आप ऑडिशन ऐसे दो वीडियो सीन्स बना के भेजते, मैंने कहा यू नो व्हाट, मैंने आई हैव डन दिस इज दिस, सो यू कैन सी माय स्टफ ऑन यूट्यूब इफ यू लाइक इट, तो जस्ट टेक इट, अदरवाइज मेरा होता है ना मार, बहुत बहुत बात चल, मार जो था तुम्हारा सीरियल वो बहुत हिट हो चुका है. दिस जिंदगी चल रहा था उन दिनों ना, बहुत इंडिया में जिंदगी मैंने ही लॉन्च किया था तुम्हें याद हो. सो आई स्टिल रिमेंबर कि मार वाज वन ऑफ दोस इनिशियल प्लेस जो सिनेमा बहुत बहुत धूम मचाई थी. हाँ काफी था. तो हुआ ये बड़ा जल्दी हो गया ये सारा हिंदी मीडियम का. मैंने उन्हें कहा कि खैर ऑडिशन बनी दे सकती, आई डोंट नो, पता नहीं उस वक्त मुझे मैं अजीब से थी भी इज अ माइंड. तो क्या हुआ कि उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, दिस इन द स्क्रिप्ट एंड आई लाइक्ड इट, आई सेड यस टू देम, आई लाइक ओके लेट्स डू इट देन. या हो गया फिर रिलीज हो रही होती है, तो बड़ा दिल बहुत बंद हुआ होता है, फोन ऑफ कर देता था मैं, पता ही ना चले कि हो क्या रहा है. फिर लोगों से रिव्यूज आहिस्ता आहिस्ता मेरे टाइम पे मैंने क्या फोन ऑफ करा था, हमारी तो एंट्री बंद हो गई थी. कुछ बुरा नहीं सोच सकती, कभी किसी के साथ बुरा होगा मुझे तकलीफ होगी, यू अंडरस्टैंड, चाहे रेप इंडिया में हो या पाकिस्तान में, आई फील बैड. चाहे किसी भी हालत में किसी ऐसा नहीं, और मुझे ये चीजें कभी सुकून नहीं देती, कहीं भी कोई चीज बुरी होती मुझे बहुत तकलीफ होती है, डिस्टर्ब हो जाती है.
मेरे दिल से कभी ही नहीं निकलता कि ओ अच्छा हुआ, ओ इनके साथ ये होना चाहिए. नो आई कांट थिंक ऑफ इट, नो नॉट एट ऑल. वहां भी माओं के ही बेटे हैं यार, यहाँ भी माओं, इंसान सारे एक जैसे हैं, किसी भी कोने में, किसी भी कोने में, रिगार्डलेस इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जापान हो, किसी ट्रिप पे जाना चाह रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप से निकला है कोरोना. सो मुझे पता चलेगा. और मेरा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन इटली है, और अब इटली में सबसे ज्यादा, मैं एग्जैक्टली पता क्या कहने लगी थी कि मैंने आधा यूरोप तो घूम लिया था, सो बाकी आधा यूरोप में आता था इटली, ग्रीस, बार्सिलोना और ये वाली जगह आ रही थी, तो मेरा नेक्स्ट ट्रिप वहां था. अब देखो अब सबसे ज्यादा आपको पता है कोरोना के पेशेंट जो है वो जो केसेस है वो इटली के, तो अगले 5 साल तक तो मैं इटली नहीं जाने वाली. नहीं नहीं तो बस यही है, ये तो जितने भी पेशेंट्स थे वो जिन्होंने जाना था वो तो चले गए यार थोड़े दिनों में, अल्लाह करे खत्म हो उसके बाद. नहीं कहो इटली दोबारा जाना है. डोंट गो, डोंट डोंट, आई मीन आई वांट टू गो बट डोंट, नो नो. मैं तो कहती हूँ किसी पाकिस्तान के अंदर जो जगह है ना नहीं देखी अभी तक, वहां चलते हैं. ये बड़ी खूबसूरत मोटरवे बनी है, एबटाबाद की तरफ जा रही है, चाइना के बॉर्डर तक जा रही है, सब ब्यूटीफुल. जैसे खत्म हो तो प्लीज आओ. तो यार आई लव इस्लामाबाद, आई लव मुनाल, एंड देयर सम यू नो प्लेस जंगल पॉइंट, पता नहीं क्या क्या, मुझे बहुत पसंद है इस्लामाबाद यार. जैसे ही कोरोना खत्म होता है ना तो तुम आओ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की लाइफ को देखते हैं खामोशी. आगे मैंने खाली 4-5 महीने तक काम नहीं करना स्ट्रिक्टली, मैंने कुछ थोड़ा सा, तो मैं पर ही हूँ और नहीं मिलूंगा, घर पे ही मिलूंगा. तो मैं बस अपनी फिल्म फिनिश करके इंशाल्लाह आफ्टर कोरोना, सो आई एम गोना घबराना नहीं है, घबराना नहीं है. हाँ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इमरान स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है. I love the dialogue, situations. Oh ho ho! Like literally, 2 घंटे की नरेशन में I was laughing. अच्छा, साकिब गुड बॉय. I approached साकिब for a film which I was trying to produce. Saki was a very talented boy. मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम. Have you worked with him? I haven't. नहीं नहीं. Saki से मैंने बात की थी. मैं हमारी एक दो meetings हुई थी. मैं Saki से अपनी produce करना चाहता था. वो तो फाइनल डायरेक्टर. तो very very talented boy. Yeah, I'm sure. नहीं मुझे अच्छी feeling आ रही है. I'm very excited. I'm looking forward to it. Even Kamli was very different. Hasan bhai actually called me for some role, I guess, when they were starting. Lekin us waqt I was doing another project, then I also left that one as well. So, but now, it's unfortunate. Yeah, it's a very sad thing. हमने आशीष साथ काम नहीं किया, ये बड़े सोच की बात. We haven't worked together. That's very strange. मुझे याद है हम ब्लेम गेम खेलते हैं. नो नो नो, यू डोंट वांट टू वर्क विद मी, दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नो. नहीं नहीं नहीं, सब है. कौन हमारे पास अच्छी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में यार, एक हार्डली एक दो ही तो नाम है. वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू. We are coming together. And I want to work with you, man. I want to work with likewise, you. Likewise. Who doesn't want to work with you, Sabha?
लेट्स डू समथिंग वेरी रोमांटिक. काफी अच्छे से ना मैं इशू बेस्ड और इस तरह के ड्रामा करके आ रही हूँ, तो कोई लव स्टोरी करते हैं बस ठीक है. तो जितने भी लोग अच्छी सी अगर किसी के पास स्टोरी लाइन है तो हम तो जरूर शेयर करें, because I think it's very important to have fresh blood in our this area writing ke mamle mein. After all this depression, so I feel we deserve a nice and very light-hearted love story. क्योंकि लोग अभी समझ रहे थे कि शायद सबा सिर्फ इशू बेस्ड ही करती है लेटली जो दो सीरियल्स से लेकर, तो अब छोड़ने के लिए शुरू करनी है इमरान अब्बास के साथ. हाँ इस इमेज को तोड़ने के लिए जितना लव स्टोरी करनी है वो भी मेरे साथ, ठीक है? बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. एक तो, पाकिस्तानी रामलीला. हाँ राम बस ठीक है, तो चले रामलीला. ओके ओके there's a long way to go. Yeah. I spoke to yeah. Ramlila was also one of those films which okay has a history. Offered, yeah, I know. Lekin chale. Kuch baat acha nahi. Songs sa jeena nahi chahiye sab. Nahi life mein इतना अच्छा तो है करियर और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह. इमरान सबसे बेहतर है, अच्छी जगह पे है, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं यार. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. मैं आपको ऐसा प्यार तो नहीं, डैडी जैसा प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन मिलेंगे तो जरूर इंशाल्लाह. इस्लामाबाद एंड लेट्स गो टू अ लॉन्ग ड्राइव. यस ठीक है, डू चिट चैट एंड ऑल. अपना ख्याल रखना इमरान, अपना ख्याल रखना सबा. लव यू, लव यू टू. बाय, टेक केयर. बाय, टेक केयर. तो जी ये थी मेरी बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी दोस्त सबा का. क्या बात है सबा की, माशाल्लाह एक्टिंग की एंड शी हैज मेड अ वेरी बिग नेम. शी हैज डन अमेजिंग 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 वर्क इन पाकिस्तान एंड बॉलीवुड एंड देयर इज नो डाउट दैट सबा इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव. जरा एक्टिंग की बात आती है तो फिर सबा कमर और उसके बाद फिर काफी स्लॉट्स खाली होते हैं और उसके बाद फिर कोई आता तो आता है. सो जी फायजा ऑफिशियल, या इट वाज अ लॉन्ग कॉल बिकॉज़ दो दोस्त मिलते हैं तो ऐसी लंबी कॉलें होती हैं जी. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, लव यू शिराज, थैंक यू सो मच. सो जनाब दैट वाज लाइव सेशन फॉर टुडे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कैच मी लाइव ऑन हम टीवी एट 10 PM टुनाइट. वी विल बी डूइंग अ टेलीथॉन फॉर मोमिना एंड द रेड फाउंडेशन फॉर all those people who are on daily wages and who are not able to join their work because of this coronavirus. Hum unke liye fundraise kar rahe hain. Hamdard